It is Dr. Sheila Tikku speaking about the properties, general properties of titanium and vanadium for class 2nd year maths C. The transition metals occur in earth crust abundance in form of oxides and nitrates. Titanium oxide is very much found in the high temperature areas. This can be extracted by heating most pure titanium chloride with magnesium metal, as titanium chloride forms titanium and magnesium chloride. It is done in a distillation plant and in a blast furnace. यानी टाइटेनियम को अगर हम गर्म करेंगे मैग्नीशियम के साथ तो टाइटेनियम बाहर निकल जाएगा और मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा. इसी तरह से द बाइनरी कंपाउंड्स, देर आर मेनी कंपाउंड्स ऑफ टाइटेनियम विच हैव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन एंड सल्फर एट हाई टेम्परेचर. इट ऑल्सो हैज़ बाइनरी कंपाउंड्स. मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम इज +4. Since energy required to remove 4 electrons is immense and the ionic potential for the formation of the expected titanium 4+ ion is also high. For making or changing titanium +2 to titanium +3, titanium is reacted with water molecule which produces titanium +3 plus what? Hydrogen plus hydroxide. Compounds of titanium 4. The compounds of titanium can be oxalates, sulfates and nitrates because they are easily found in the nature. Then we have titanium oxide. Addition of alkali, yani addition of alkali gives जिलेटिनस प्रेसिपिटेट ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड. यानी अगर हम किसी टाइटेनियम के कंपाउंड के अंदर क्या डालेंगे, कोई सा भी अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोई सा भी अल्कली डालेंगे तो हमारे को एक जिलेटिनस टाइटेनियम ऑक्साइड मिलेगा. और ये टाइटेनियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके टाइटेनियम सल्फेट भी बना देता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सा सब्स्टिट्यूट है टाइटेनियम ऑक्साइड का. आगे हम पढ़ते हैं टाइटेनियम के 2-3 और यौगिकों के बारे में. टाइटेनियम के हैलाइड्स बनते हैं जिनमें ऑक्साइड्स को हैलोजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो टाइटेनियम हैलाइड बन जाता है. और इसकी एप्लीकेशन जिग्लर नाटा कैटालिसिस में बहुत पाई जाती है और इसीलिए ये एक बहुत ही उपयुक्त ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है. इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन जिग्लर नाटा रिएक्शंस एंड हेंस इट इज़ वेरी फॉर्मल एंड वेरी कॉमनली यूज्ड इन जिग्लर नाटा रिएक्शंस. द नेक्स्ट एलिमेंट इज वैनेडियम. वैनेडियम इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर बट इट्स कंसनट्रेशन इन डिपॉजिट्स इज वेरी पुअर and hence its extraction is very economical. That means इसका मतलब है वैनेडियम को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत रहती है क्योंकि इसकी प्राप्ति बहुत कम मात्रा में हो पाती है. The extraction of vanadium in pure state from its ores is very difficult. It is account of high melting point and reactivity at high temperature. यानी वैनेडियम को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ता है जिसके लिए के हम लोग तैयार नहीं होते हैं. अमोनियम वैनेडियम ऑक्साइड जो है उससे हम डाई वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड बना सकते हैं. जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो आसानी से टूट के वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड बना देता है. इसके साथ में अमोनिया भी है और अमोनिया के साथ और दूसरे कंटेंट्स भी पाए जाते हैं.
वैनेडियम पेंटाऑक्साइड को जब कैल्शियम से रिएक्ट करते हैं तो प्योर वैनेडियम और कैल्शियम ऑक्साइड हमको प्राप्त होता है। कंपाउंड्स ऑफ वैनेडियम टू, यानी वैनेडियम जब अपनी ऑक्सीकरण अवस्था दो में रहता है तो वो कौन कौन से कंपाउंड्स बनाता है। जैसे वो बनाता है वैनेडियम ऑक्साइड। ये वैनेडियम ऑक्साइड ब्लैक रंग का सॉलिड है, इसके अंदर अच्छी खासी मेटेलिक लस्टर है, यानी इट इज़ एन ब्लैकिश सॉलिड विच हैज़ हाई मेटेलिक लस्टर। बिकॉज ऑफ सम डिफेक्ट्स वैनेडियम ऑक्साइड कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ यूज इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट मैनी टाइम्स इट इज़ वॉलेटाइल एंड हैंस द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट डन। देन देर इज़ वैनेडियम क्लोराइड, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इंडक्टिंग वैनेडियम क्लोराइड वेपर्स प्लस हाइड्रोजन। वैनेडियम क्लोराइड की वेपर्स को हाइड्रोजन के साथ जब मिक्स करते हैं तो आपको मिलता है वैनेडियम क्लोराइड। वैनेडियम सल्फेट, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ वैनेडियम परऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन हाइड्रोजन H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड टिल द सॉल्यूशन टर्न्स वायलेट। इसको बनाने के लिए हम वैनेडियम परऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं, उसके साथ सल्फर ट्राईऑक्साइड भी लिया जाता है जब तक के सॉल्यूशन वायलेट कलर का ना हो जाए। कंपाउंड्स ऑफ वैनेडियम 3, वैनेडियम ट्राईक्लोराइड VCl3, VCl3 को प्राप्त करने के लिए वैनेडियम टेट्राक्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट किया जाता है जिससे कि वैनेडियम ट्राईक्लोराइड बनता है। अगला कंपाउंड है वैनेडियम ट्राईआयोडाइड। वैनेडियम ट्राईआयोडाइड को डाई हाइड्रोजन के साथ में रिड्यूस करके बनाया जाता है। वैनेडियम ऑक्साइड को बनाया जाता है, प्रकृति में पाया जाता है ये, और वैनेडियम परऑक्साइड को अगर वाटर के साथ हमें रिएक्ट करेंगे तो ये वैनेडियम ट्राईऑक्साइड बना देता है। वैनेडियम सल्फेट के बनने के लिए हमारे को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इसको रिएक्ट किया जाता है पानी की प्रेजेंस में, जब जाकर के ये वैनेडियम सल्फेट बनाता है। वैनेडियम के और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जैसे ऑक्सलाइड, साइनाइड्स और थायोसाइनाइड्स। इनमें सबसे पहला वैनेडियम ऑक्साइड बनता है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड को H2S गैस के साथ रिएक्ट करने पे, आराम से बन जाता है वैनेडियम ऑक्साइड। इसके बाद में आता है वैनेडियम टेट्राक्लोराइड। वैनेडियम टेट्राक्लोराइड को बनाने के लिए वैनेडियम प्लस क्लोरीन को हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तब वैनेडियम टेट्राक्लोराइड बनता है। वैनेडियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको बनाने के लिए हम वैनेडियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराते हैं। इसके बाद में आता है वैनेडियम ऑक्सोसल्फेट। वैनेडियम ऑक्सोसल्फेट को बनाने के लिए वैनेडियम पेंटाक्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, इनको मिला करके वैनेडियम सल्फॉक्साइड बनता है। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ वैनेडियम फोर के कुछ एक कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जो कि उसके चीलेट फॉर्म में होते हैं, मगर चीलेट फॉर्म में बनाना बहुत आसान नहीं है। इसको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को लिया जाता है। वैनेडियम फाइव के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को डाल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, इस तरह के कंपाउंड्स को लेकर के इनको बनाया जाता है। वैनेडियम फाइव के हैलाइड्स में डायरेक्टली वैनेडियम को कंबाइन कराया जाता है हैलाइड के साथ, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह के कंपाउंड्स वैनेडियम फाइव कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाते हैं।
डॉक्टर शीला टिक्कू स्पीकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स फॉर क्लास।